दोस्तों मैं आ चुका हूं ऑटो एक्सपो 2023 में और यहां पर मौजूद है अल्ट्रा वायलेट F77 रेकन, जिसे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इस इलेक्ट्रिक बाइक को। और अगर मैं बात करता हूं कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको पीक पावर देखने को मिलेगी 29 किलोवाट की, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 147 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 307 किलोमीटर की IDC रेंज। सामने की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से LED लाइट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो दोस्तों 110x70 के 17 इंचेस के टायर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और आपको सामने और रेयर साइड में डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और इसमें आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद ABS, जो कि बहुत ही रेयर होता है इलेक्ट्रिक बाइक्स में देखने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इसकी स्क्रीन को देखें तो कुछ इस तरीके की डिजिटल स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर अभी कोई की नहीं दी गई है, ना ही इसमें कोई की नॉब दिख रहा है। तो यहाँ पर आई गेस इसके साथ आपको एक फॉब की मिलेगी, एक ऑटोमेटिक की मिलेगी। इस तरीके से आपको गेमिंग कंसोल्स की तरफ बटन देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर, हॉर्न, और यहाँ पर आपको इस तरीके से बटन्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आपकी विजिबिलिटी रहेगी। चैन ड्रिवन मोटर आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलेगी। और अल्ट्रा वॉलेट F77 के इस रेकॉन में दोस्तों आपको इस तरीके से अलॉय देखने को मिलेगा और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस थोड़े बहुत दिए गए हैं सभी मॉडल्स में। आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसा कि इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ओपन अलॉय व्हील देखने को मिलेगा और यहाँ पर इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे इस चैन को भी, क्योंकि इसमें चैन ड्रिवन मोटर दी गई है। और यहाँ पर इसका है चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से आप अल्ट्रा वॉलेट F77 को चार्ज कर सकते हैं। ये फाइबर का यूज़ इसमें किया गया है और ये एयर स्ट्राइक मॉडल यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको रेकॉन में दिखाया था कि इसका जो अलॉय व्हील है वो ओपन है, तो यहाँ पर क्लोज इसका डिज़ाइन दिया गया है। तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको इसके सभी मॉडल्स में देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर आपको एक छोटा सा की नॉब मिलेगा, आई होप इसको करने से यहाँ पर कुछ आपको स्पेस मिलता हो सामान रखने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों शोकेस की गई है अल्ट्रा वॉलेट की F99, जिसमें आपको 50 किलोवाट की पीक पावर देखने को मिलती है, 200 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड आपको इसमें देखने को मिलती है। इसी के साथ F77 की तरह आपको इसमें ABS ब्रेक्स भी देखने, हाइड्रोलिक ABS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और मैं आपको छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ इस इलेक्ट्रिक बाइक का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका साइड लुक। अब मैं आपको इसका रेयर व्यू दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेयर व्यू कि यहाँ पर भी 07 की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी और इस तरीके से टायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसी की तरह से सेम चैन ड्रिवन मोटर आपको इसमें भी देखने को मिलती है। अब चलते हैं फ्रंट लुक की तरफ। तो यहाँ है दोस्तों इसका फ्रंट लुक। तो फ्रंट लुक में अभी यहाँ पर लाइट्स देखने को नहीं मिल रही है और जो थोड़ा बहुत चेंज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनके हर मॉडल में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वही चेंज मुझे इस मॉडल में देखने को मिला है सबसे पहले। और बाकी थोड़े बहुत यहाँ पर जो इसके पैनल्स है उसके डिज़ाइन, उसके थोड़े एजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी सभी चीज़ें, सभी डिस्क ब्रेक और यहाँ पर आपको जो अदर डिज़ाइन है मोस्टली सेम ही देखने को मिलेगा। सस्पेंशन आपको सेम ही देखने को मिलेगा सभी मॉडल्स में। और यहाँ पर अल्ट्रा वॉलेट F77 की तरफ से शेडो को भी शोकेस किया गया है, जिसके साथ आपको इस तरीके से जो बैग्स देखने को मिलते हैं अटैच। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो अभी इस बाइक को चार्ज किया जा रहा है और इस तरीके से कुछ यहाँ पर चार्जिंग, आपको चार्जिंग किट देखने को मिलेगी, जिसको आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी रेयर सीट है उससे अटैच भी किया हुआ है, तो जिसका मतलब आप इसे कैरी कर सकते हैं इस तरीके से। और बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है, ब्रेक है, सस्पेंशन है, वो ज़्यादा डिफर नहीं करता है। सब चीज़ें, ब्रेक्स और सस्पेंशन तो खासकर सेम है। इसी के साथ जो इसकी पीक पावर है वो एयर स्ट्राइक मॉडल की तरह ही है, जिसमें आपको पीक पावर मिलती है 29 किलोवाट की, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 147 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 307 किलोमीटर की रेंज। तो जो एक कैरी बैग्स है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो अल्ट्रा वॉलेट किस तरह से बैजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों 3.5 किलोवाट का यहाँ पर पोर्टेबल बैटरी पैक है, जो कम से कम 3 से 4 घंटे में इस बाइक को फुल चार्ज कर देता है। तो ये थी दोस्तों अल्ट्रा वॉलेट F77 की सभी चारों बाइक्स। आपको कौन सी बाइक पसंद आई आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।